गाइस, दिस इज गिरी। वेलकम टू माय चैनल गिरीज पेट वर्ल्ड। और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज सोच रहा हूँ कि हर एक का घर में अच्छा स्पेशल होता होगा, और ऐसे ही सोच के मैं एक्चुअली आज एक नया वीडियो बनाया हूँ आप सब लोगों के लिए, बहुत ही स्पेशल वीडियो, और आप सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा करके मैं सोच रहा हूँ। और ये जो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और बहुत ही अच्छा वीडियो है जो कि मेरा कबूतरों का जो रूम में जो ज़्यादा हीट हो जाता है जब कबूतरों का रूम में, तो हीट को कैसे निकालनी है, और उसके बाद आजकल का जो मौसम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा, जो कि वो मॉस्किटोज़ का जो प्रॉब्लम, जो कि कबूतरों का बच्चों को मॉस्किटोज़ अटैक कर रहा, उसके बाद जो पॉक्स वगैरह ऐसा कुछ बहुत सारे बीमारियाँ निकलते हैं, और उसके लिए कैसे वो सबको अवॉइड करना है उसके बारे में ये जो वीडियो है पूरा अंत तक देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और उसके बाद मेरा भी जो पिजन्स का जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी मैं दिखाने जा रहा हूँ, और जो कि मेरा 3-4 जोड़ा का जो बच्चा निकला है अभी, और वो भी दिखाने जा रहा हूँ, और देखते रहिए बहुत। और गाइस, ये है मेरा सुंदरी पेड़ का जो बच्चे अभी निकले हैं, एक्चुअली ये कल शाम को निकले थे जो उसका जो डब्बे से, और बहुत ही हेल्दी है, 2 बच्चे रेड कलर का निकला है देखिए। और इसके बाद जो है ये जो बच्चे हैं, ये दोनों भी मेरा जो बूटेड एंड कैप्साइज जो बच्चे का कबूतरों का जो बच्चे हैं, ये इन लोग के लिए निकलने के लिए और भी टाइम लगेगा, और भी इन लोग के लिए करीबन 20-25 दिन लगेगा टू बाहर निकलने के लिए। ये लोग बहुत ही हेल्दी हैं ये लोग भी। और उसके बाद ये जो बच्चे हैं मेरा एक्चुअली फॉस्टरिंग पेयर का बच्चे हैं, ये जो सिराज है अभी, ये एक्चुअली फॉस्टरिंग पेयर का लिए रखा हूँ मैं इसका जगह में, इसका पास अंडे रख के मैं बच्चा निकाल रहा हूँ। और ये एक बच्चा है एक्चुअली फैंटाइल का बच्चा एक निकला है, जो ब्लैक कलर का आगे वाला जो दिख रहा है फैंटाइल का है, और उसके बाद और एक जो निकल उस तरफ जो है वो मेरा सिराज का बच्चा है। और गाइस, ये जो केज में है ये बूटेड एंड कैप्साइज का बच्चा है, ये दोनों भी प्योर वाइट निकला है बहुत दिनों के बाद, फिर ये जो पैर का मेरा बहुत ही हेल्दी है ये लोग भी। गैस, आज बहुत सारा काम हुआ है एक्चुअली मेरा जो ये जो सेटअप के ऊपर ये जो गच जो है, ये गच का डाल बहुत सारा डाल हो गया था, पूरा डार्क हो गया था, धूप नहीं गिर रहा था, आज पूरा काट दिया, पूरा क्लीन लग रहा है अभी बहुत अच्छा है, और कबूतरों के लिए बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन भी हो गया है। फाइनली गाइस, मेरा जो पिजन लॉफ्ट में एग्जॉस्ट फैन लगा दें, जो कि इतना भी गर्मी रहेगा तो बाहर निकाल देगा, और उसके बाद ये जो है मॉस्किटो किलर, एक्चुअली इवनिंग टाइम में आप ऑन करना है इसको, ऑन करने से जितना भी मॉस्किटोज रहेगा रूम में वो सब लोग इसके अंदर बंद हो जाएगा। यस गाइस, कैसा लगा ये जो वीडियो, और मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा करके, और भी बहुत यूज़फुल वीडियो है ये, और जो भी मैं इक्विपमेंट्स लगाया हूँ इसमें वो भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपका कबूतरों के लिए, आप भी ट्राई कीजिए एक बार, क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन्स मैं भी दिया हूँ ये जो पॉक्स बीमारी के लिए, इसका लिए, जो कि कबूतरों के बीच में जब भी जो ज़्यादा गर्मी अगर होगा या सर्दी भी होगा कुछ भी होने से, वो मेडिसिन तो कुछ तो मिल रहा है मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन देने का बावजूद भी बहुत सारे कबूतर जो मर जाते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाता है, और उसी का वास्ते ये जो मैं लगाया हूँ, ये जो मशीनरी का आइटम्स जो लगाया हूँ, और इसके लिए बहुत सारा हम लोग को फ़ायदेमंद होगा, और ये देने के बाद अगर होगा तो मेडिसिन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं देखा हूँ जो कि मैं अभी लाकर इसको 2 दिन करीबन हुआ है इसको लाकर, बहुत ही अच्छा काम दे रहा है ये, आप भी देखिए। और ये जो वीडियो आप सब लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरा चैनल में आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बहुत सारा वीडियोस मैं और भी छोड़ने वाला हूँ, और मेरा ये जो
वीडियोस को आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। और इसके बाद में बहुत मैं वीडियोस छोड़ने वाला हूँ, और मेरा जो वीडियोस सब आप लोग आराम से देखते रहिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।